अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीजिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको, ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसान, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसान खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसान खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन की है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हजबेंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वॉट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव अ मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हुज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात यह है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इतकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इतकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इतकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं मैं तुम्हें इतकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इतकाफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है इनकी औरतों ने, हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं? आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या रابطہ था, कितने अरसे से रابطہ था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जी, उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किससे इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं देख रहा। थैंक यू।